The question is, if 10x is equal to 3 upon 4 and x is greater than pi but less than 3 pi by 2, then find the value of sin x by 2, cos x by 2, and 10x by 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें क्या चीजें आपको डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि 10x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 10x आपके पास है 3 अपॉन 4 के। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो है x आपका ग्रेटर देन पाई है, x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3 पाई अपॉन 2, है ना। x आपका पाई से ज्यादा है, 3 पाई बाय 2 से कम है। इट मीन्स ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो x है वो राइट नाउ थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको x बाय 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि अगर x मेरा इस रेंज में लाई कर रहा है तो x बाय 2 मेरा किस रेंज में लाई करेगा। इसके लिए आप एंटायर एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप एंटायर एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बाय 2 ग्रेटर हो जाएगा पाई बाय 2 से और लेस देन हो जाएगा 3 पाई बाय 4 से। इट मीन्स एक हल्का सा आइडिया यहाँ पे ये लग जा रहा है कि अगर मैं x बाई टू एंगल की बात करूं तो ये बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। अगर लगेगा कि हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो जब मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बात करूंगा तभी आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी तक का अपडेट ये है कि x आपका बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट को, जो x एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, और जो x बाई टू एंगल है ये बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट को। और ये दोनों की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इनकेस अगर आप इस पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो मे बी हो सकता है कि आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10x, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो है आपको साइन एक्स बाय टू निकालना है, कॉस एक्स बाय टू निकालना है और उसके बाद 10x बाय टू निकालना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 10x बाय टू को मैनेज कर लूं कैसे भी करके तो फिर साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू पे कमेंट करना मेरे लिए काफी आसान होगा। और 10x बाय टू की वैल्यू इनकेस अगर आप निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए जो आइडेंटिटी आपको हेल्प करेगी वो है 10 of 2x की। अगर मैं 10 of 2x की बात करूं तो ये रिजल्ट होता है 2 times of 10x, 2 times of 10x डिवाइडेड बाई 1 minus k 10 square x के। इस रिजल्ट को यूज करने से होगा ये कि अगर आपको 10x की वैल्यू पता है तो आप उसके हाफ एंगल की वैल्यू भी इजीली पता कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस आइडेंटिटी को 10 2x को x से रिप्लेस कर दूं तो राइट हैंड साइड में आपको नजर आएगा 2 times of 10x by 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 minus 10 square x upon 2 के, ठीक है। चलिए अब देखिए 10x की वैल्यू जो आपको दे रखी है ना, 10x पे अगर आप कमेंट करें तो वो आपको दे रखा है 3 upon 4 के इक्वल। राइट साइड में आपके पास है 2 times of 10x by 2 एंड डिवाइडेड बाई, दैट इज डिवाइडेड बाई 1 minus 10 square x upon 2 के। अब आप देख सकते हैं कि इन केस अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो 10x by 2 को हैंडल करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं थोड़ी देर के लिए ये जो 10x by 2 है इसको एक अलग वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूँ। मान के चलिए मैंने इसको k से रिप्रेजेंट कर दिया, गॉट इट। अगर मैं इसे k से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो अब ये जो इक्वेशन है ये आपको नजर आएगी 3 upon 4 इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई 1 minus k square। Now, what we have to do? सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 minus 3k square एंड दैट इज इक्वल टू 8k, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3k square plus 8k minus 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। Now, what we are going to do? चलिए अब इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग के लिए 3k square आप इसे लिख सकते हैं 9k माइनस के माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी दैट इज नॉट 8, दिस इज बेसिकली 3। तो दैट इज 3k square minus 9k minus k देन आफ्टर -3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि शुरू के दो टर्म से 3k आप कॉमन ले सकते हैं, तो इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग k+3, फिर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यू आर गेटिंग अगेन k+3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 3k-1 into k+3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं k की दो वैल्यूज आपको मिल रही है, एक मिल रहा है k इज इक्वल टू 1/3 और एक मिल रहा है k इज इक्वल टू -3। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि k जो है वो 10x/2 के बराबर है, और x/2 पे अगर मैं एक बार वर्कआउट करूं
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एक्स बाय टू है ये बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट को, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं टेंजेंट पे कमेंट करूं, मतलब अगर मैं एक ऐसे एंगल का टेंजेंट ले रहा हूं जो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो इस एंगल का जो टेंजेंट है वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स यू कैन टेक के इज इक्वल टू 1/3। आपको जो डाटा एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करना है -3। मीन्स हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 10x/2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ 10x/2 इज इक्वल टू -3। बट इन द क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग कि आपको sin x/2 भी निकालना है और cos x/2 भी निकालना है, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा ट्राइंगल की हेल्प ले लें। मान के चलो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, दैट दिस इज अ ट्राइंगल ओ ए बी, है ना, ये ट्राइंगल ओ ए बी है। हम लोग इस एंगल को x/2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ये एंगल x/2 है और 10x/2 की वैल्यू -3 है, तो आप इसे -3/1 की तरह भी देख सकते हैं। तो लेट दिस इज योर 3 एंड दिस इज 1। अगर ट्राइंगल में एल्टीट्यूड आपका 3 है, बेस आपका 1 है, तो जो हाइपोटेनियस आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 9+1, जिसे स्क्वायर रूट ऑफ 10 भी आप लिख सकते हैं। अब इस ट्राइंगल से साइन और कॉस की वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन बी केयरफुल, आपको क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि आपका x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ये जो x/2 एंगल है ये सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो sin x/2 है ये डाटा आपको मिलेगा पॉजिटिव, लेकिन जब आप cos x/2 की बात करेंगे, cos x/2 की बात करेंगे, ये डाटा आपको मिलेगा नेगेटिव। मीन्स अब अगर मैं तीनों एंगल्स पे कमेंट करूं, सबसे पहले तो 10x/2 पे कमेंट कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 10x/2 हमारे पास -3 के इक्वल है। इसके बाद अगर मैं sin x/2 पे कमेंट करूं, तो sin x/2 दैट इज द एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपको मिलेगा 3/√10, और मुझे पॉजिटिव लेना है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, अगर आप इसके साइन की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन जब आप cos x/2 पे कमेंट करेंगे, तो cos x/2 आपको मिलने जा रहा है नेगेटिव, और cos x/2 होता कितना है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स आपको मिलेगा दैट इज -1/√10। तो ये वैल्यू है 10x/2 की, ये वैल्यू है sin x/2 की, और ये वैल्यू है cos x/2 की।